नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार चरम पे है। 25 तारीख को मतदान होना है और हम इस वक्त हैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस बार जाटव समाज का, दलित समाज का वोट विधानसभा भरतपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में निर्णायक होने वाला है। क्या दलित समाज के लोग सोच रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर? पलड़ा कांग्रेस का भारी है या इस बार बाजी भाजपा मारेगी, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ दलित समाज के कुछ सरपंच भी हैं और भी मौजूद लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाजी, क्या नाम है? दिनेश जाटव सुनारी। आप सरपंच है जी? तो दिनेश भाई, क्या माहौल आपको लग रहा है इस बार भरतपुर में, राजस्थान में दलित समाज किस तरफ जा रहा है? दलित समाज पूरा कांग्रेस तरफ जा रहा है। वजह बीजेपी का शोषण, संविधान को खत्म करने की उनकी इच्छा, आरक्षण को खत्म करने की इच्छा, दलितों के जो हो रहे अत्याचार वो उनकी गंभीर समस्या है, और सबसे बड़ी बात है हमारा 3 एक्ट, उसको भी बीजेपी सरकार खत्म करना चाह रही है, और जो दलित लोग हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। चाचा, आरएलडी का पटका आपने डाला हुआ है गले में, सिर्फ दिखावे के लिए या वास्तव में लग रहा है कि कुछ में हम सभी आरएलडी को वोट देंगे, हैंडपंप पे बटन दबाएंगे और सुभाष गर्ग जी को विजय बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी के मोदी जी ने देखो रेल बेस दिए, प्राइवेट सेक्टर में दे दिए, हवाई जहाज प्राइवेट सेक्टर में दे दिए, बंदरगाह प्राइवेट सेक्टर में दे दिए, और अपने अडानी अंबानी का 2 लाख करोड़ का लोन माफ किया है, गरीबों का कहाँ किया है? और कांग्रेस सरकार ने जो वायदा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उसमें उन्होंने जितने भी हमारे सहकारी बैंक थे सबका कर्ज माफ कर दिया, और ये राष्ट्रीयकृत बैंक तो केंद्र सरकार के हैं, मोदी को करना चाहिए केंद्र सरकार से। और जितना वायदा किया था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ करेंगे, राहुल जी ने 10 दिन में माफ करके दिखा दिया कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि जितने भी सहकारी बैंकों के लोन थे वो सब किसानों के माफ कर दिए। अब की बार भी नई योजनाएं, 7 योजनाएं गारंटी से पूर्ण होंगी कांग्रेस सरकार की, और हम पहले भी हमने सुभाष गर्ग को जिताया था, अब की बार भी हम सुभाष गर्ग को जिताएंगे, और हमारा पूरा जाटव समाज इनके साथ है, और हम इसकी अपील करते हैं पूरे जाटव समाज से, सभी इसका समर्थन करके एक एक वोट हैंडपंप पर लगाएंगे। जय हिंद जय भारत। बताओ, कल मोदी जी भी आए भरतपुर, आप लोग क्या कहे, बहुत सारे वादे कर गए, कहा गारंटी मेरी है? हम नहीं गए, ना हम जाते हैं मोदी जी की, हमें पता है, हम पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमें पता है कि हमारा कितना शोषण मोदी जी कर रहे हैं, हमें पता है संविधान की कितनी धाराओं को बदल रहे हैं, हमें पता है बाबा साहब को हमारा जो विजय बंसल गाली देता है संविधान के ऊपर के, इन्होंने कहा संविधान लिखा, नौकर लिखते हैं संविधान, तो ये तो हमारा मजदूर था, ऐसा विजय बंसल ने कहा है, तो क्या हम उसको वोट देंगे? 15 साल तक उन्होंने कितना शोषण किया हमें पता है, और कहता है चमाचूटों की बस्ती में कौन जाता है, मैं नहीं जाता हूँ, ऐसा विजय बंसल बोलता है, तो उनको क्या हम वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम आरएलडी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस ने ही हमारा उत्थान किया है, बीजेपी तो पतन की ओर ले जा रही, देश को ही बेच देगा मोदी जी, एक दिन देश को बेच देंगे। आज पहले जितना 1 रुपया खर्चता अब 3 गुना खर्च हो गया भारत के ऊपर, ऐसी नाक बढ़ाने से क्या फायदा, ऐसी नाक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, कर्जा 3 गुना हो गया भारत के ऊपर, कहां से चुकाएगा देश? ये गांव है चकसीना, भरतपुर चिकसाना, सॉरी भरतपुर विधानसभा का सरपंच साहब और साथ में, सरपंच साहब क्या नाम है? मेरा नाम तो हीराम है साहब। आप राजपूत हैं? राजपूत तो मानते हैं भाई, आप बीजेपी का कोर वोटर है, पक्का वोटर बीजेपी का माना जाता है राजपूत समाज को, आप यहाँ इस बार बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं या फिर कांग्रेस आरएलडी? देखिए जी, गर्ग साहब मेरे गांव के रहने वाले हैं, गर्ग साहब ने अपनी 5 बीघे जमीन 5 करोड़ की विद्यालय के लिए दी, गर्ग साहब बहुत विकास की गंगा बहाए हमारे क्षेत्र में, 24 पंचायत है, 2400 पंचायत में एक बराबर काम किया उन्होंने, और जो आप अभी हाल पूछ रहे ना विधायक जी से 2 लाख वो कर्जा माफ कराने की, उन्होंने हर किसान के लिए इतना फायदा पहुंचाया है कि हर किसान के एग्रीकल्चर के 2000 यूनिट फ्री और गरीबों के लिए 100 यूनिट फ्री, ये भाई हमारे जो हैं इनको सबको 100 यूनिट फ्री है। गर्ग साहब बहुत ही उच्च परिवार से हैं, इनके पिताजी पर 1000 बीघे जमीन थी, वो सब गरीबों को वैसे ही दान दे दी, गर्ग साहब बहुत ही और हर आदमी से मिलने, और ये भाई साहब है नहीं वो किसी जाति को भेदभाव नहीं रखते, वो सबको समान समझते हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव है। पिछली बार लगभग 15,000 वोटों का अंतर रहा था भरतपुर विधानसभा में विजय बंसल में और गर्ग साहब में,
इस बार आपको क्या लग रहा है कि वो अंतर बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? इस बार कम से कम 30 बार का होगा, क्योंकि गर्ग साहब ने साहब कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें कि चार चार सड़कें जुड़वाई हों, कोई भी क्षेत्र का काम। जिस दिन से उनका चुनाव प्रचार शुरू हुआ है उसी दिन से हम उनके साथ हैं। कोई भी गांव, कोई जनता दुखी नहीं है कि हमारे लिए ये काम नहीं किया। हाँ, थोड़ी दिक्कत आई है तबादले बारी, तो तबादले हमारे राजस्थान में आपको मालूम होगी कि एक परिस्थिति ऐसी है कि जो 2 साल की गारंटी आती है ना साहब, 2 साल वाली गारंटी राजस्थान ऊपर, तो उनके तबादले नहीं हुए नहीं। और लड़कियों के जब स्वास्थ्य विभाग में थे तो जितनी लड़की बाहर थी वो इधर राजस्थान से इधर आ गई और इधर से उधर पहुंचा दिया उनके नज़दीक की। तो गर्ग साहब की बहुत ही सराहना है। गर्ग साहब हमारे साहब 30,000 से कम नहीं जीतेंगे। गर्ग साहब बहुत बढ़िया परिवार से। हाँ, कुछ युवा भी हमारे साथ में हैं दोस्त, क्या नाम है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, हाँ जी। कौन सी लीला होने जा रही है इस बार कृष्ण जी? इस बार देखिए त्रिकोणीय सीरीज बनने की फुल चांसेस है, क्योंकि जो ये गिरधारी तिवारी जी हैं जो बीजेपी से कैंडिडेट रहने की संभावना थी, जिनकी प्रबल चांसेस थे पहले, लेकिन पूर्व विधायक जी जो विजय बंसल जी हैं उनके कारण ही जो है ये बदलाव हो गया कि ऐन वक्त पे गिरधारी तिवारी जी बैठ गए, जिनका उनको विजय बंसल जी को फायदा तो अवश्य होगा, लेकिन उनके 15 सालों के विकास कार्यों को देखते हुए जो कि नगण्य थे, बिल्कुल शून्य के बराबर थे, तो इस वजह से उनको वोट तो आएगा और पहले से ज़्यादा आएगा, ये भी निश्चित बात है। लेकिन जहाँ तक जीतने का मामला है तो वो दो पक्षों में ही ज़्यादा है, एक तो RLD के अपने सुभाष गर्ग जी और इधर BJP के विजय बंसल जी, इनके अलावा तीसरा प्रत्याशी कोई भी नहीं है। अपन भी जाटव समाज से हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अपना वोट बिगाड़ना नहीं है अपने को, तो हमारे पूरे जाटव समाज का जो है वोट 100% तो किसी का भी नहीं जाता। ये भी अपन सत्य में बोल दें कि ये सब 100% जाएगा या फिर क्या जाएगा, तो 100% तो शायद वोटिंग ही नहीं होती, तो वोट कहाँ से पड़ जाएगा। तो यहाँ तक जहाँ तक बात है 100% में से 10% वोट कटने के अन्य पार्टियों को चांसेस हैं, 90% जो है अपने RLD के सुभाष गर्ग जी को ही जाएगा। तो इसी के साथ, और ये इसके जाने का कारण, मुख्य कारण एक ही रहेगा, उनका विकास कार्य, जितने भी विकास, उनके विकास कार्यों की ही वजह से उनकी जीत होना निश्चित लग रहा है, वरना तो कह नहीं सकते थे कि किसको जाएगा। लेकिन उनके जो विकास कार्य किए उन्होंने, सड़कें और स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी जितना भी दिया है उन्होंने सब कुछ दिया है। और रही बात रोजगार की, तो उन्होंने 5 साल इन चीज़ों पर ध्यान दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़कों पर ध्यान दिया। शायद इस बार लगता है कि वो रोजगार को भी बढ़ावा देंगे, यहाँ पर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जब आप 25 तारीख को वोट डालने जाएंगे, EVM में आपको हाथी का चुनाव चिन्ह भी दिखाई देगा, नजरअंदाज कर दो? बिल्कुल जी, उसको नजरअंदाज ही किया जाएगा, क्योंकि जो है वोट बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा ना अपने को। और दूसरी बात, गिरीश चौधरी जी, उनका बैकग्राउंड है, राजनीतिक है, लेकिन अभी तक बड़े चुनाव में वो उभर कर नहीं आए, पहली बार ही वो इस स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक बात बोल दी कि उनको विकास कार्यों की ही वजह से RLD को ही वोट जाएगा, सबसे बड़ी बात यही है। किसी चुनाव चिन्हों में BJP, और खासकर मेरा मानना तो यह है कि साला चुनाव चिन्ह तो अपने को मानने ही नहीं चाहिए, जो कार्य करे, जो शिक्षित हो उसी को वोट देना चाहिए, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखों को अनपढ़ों को समझाना चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए काम किया, किसी के बहकावे में आके वोट ना देना चाहिए। तो अच्छा खासा राजनीतिक माहौल भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है। दलित समाज का ज्यादातर पलटा लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ जाएगा, लेकिन 25 तारीख को जब EVM सामने आएगी उसमें चुनाव चिन्ह हाथी भी दिखाई देगा, तो क्या मायावती भी दलित समाज के वोटरों को याद आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तो 3 तारीख को जब EVM खुलेंगी तभी सामने आएगा।